हाय दोस्तों, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल अनोन प्रयागी पर। दोस्तों, काफ़ी दिन बाद मैं अपने YouTube चैनल पर एक्टिव हो रहा हूं और वीडियोस नहीं आ रही थी। काफ़ी दिन से मैं इनएक्टिव था कुछ रीजंस की वजह से, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि अपने YouTube चैनल पर एक्टिव रहूं और बैक टू बैक वीडियोस आती रहें। फिलहाल ये जो वीडियो बन रही है प्रयागराज टू केदारनाथ की, एक सोलो ट्रिप मैं कर रहा हूँ उसकी वीडियो बना रहा हूँ। फिलहाल मैं हूँ प्रयागराज संगम स्टेशन पर और मेरी ट्रेन जो है लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। ये ट्रेन मुझे लेके जाएगी प्रयागराज से देहरादून तक। अभी मेरी ट्रेन आ चुकी है और मेरा टिकट पहले नहीं कन्फर्म था, अभी मेरा टिकट भी कन्फर्म हो गया है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे लगा था कि बस ऐसे ही मुझे ट्रेन का सफ़र करना पड़ेगा पूरी रात और कल दोपहर तक, बट ट्रेन सीट मेरी कंफर्म हो गई है, S47 नंबर है। अभी चलते हैं अपने अपने सीट पर और बैठते हैं। जिस तरह इस सफ़र में मैं अकेले निकल पड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ तुमसे एक साधारण सी मुलाकात, जहाँ तुम भी मेरे साथ चलो और हम किसी झील के किनारे बैठें, मैं तुम्हारी आँखों में देखूँ फिर झील में देखूँ, मुझे तुम्हारी आँखें झील से भी ज़्यादा गहरी दिखें। तो दोस्तों, अभी हम मुरादाबाद पहुंच गए हैं और मुरादाबाद स्टेशन के आगे हरिद्वार स्टेशन पड़ेगा और हरिद्वार स्टेशन पर हमारा स्टॉपेज है, वहां हम उतरेंगे और फिर आगे की जर्नी आपको दिखाएंगे। अननोन प्रयागी गाइस, हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं और हरिद्वार प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन लग गई है और हम यहां पर उतर भी गए हैं और हमारे साथ कुछ साथी मिले हैं, वो भी केदारनाथ जा रहे हैं। ये लोग भी केदारनाथ जा रहे हैं और भाई का यूट्यूब चैनल है, पुनीत दया शिखर भाई का यूट्यूब चैनल है और मैं जब वीडियो डालूंगा तो लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, एक बार विजिट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं। तो भाई, हम लोग प्लेटफॉर्म के बाहर जा रहे हैं और हरिद्वार पहुंच चुके हैं और कुछ साथी लोग मिल गए हैं, उनके साथ अब आगे का सफ़र जारी रहेगा। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और स्टेशन के बाहर देखिए कितनी सारी भीड़ है और सब लोग घूमने के लिए इधर आते हैं। हरिद्वार एक ऐसा जगह है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, चारों तरफ भीड़ है। अभी हम लोग हरिद्वार जंक्शन से बाहर आ चुके हैं और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, काफ़ी बड़ा जंक्शन है और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। बाहर काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं, काफ़ी सारी पीछे टैक्सी लगी हुई है और इधर एक शिव जी की मूर्ति काफ़ी बड़ी बनाई गई है, देखिए काफ़ी अच्छी लगती है ये मूर्ति। और पीछे काफ़ी सारी टैक्सी लगी हुई है, जिनको टैक्सी लेना है रेंट पर या कहीं जाना है तो वो टैक्सी यूज कर सकता है। और उसके पीछे एक और शिव जी की मूर्ति काफ़ी बड़ी बनाई गई है और काफ़ी बेहतरीन लग रही है देखने में। कुछ ये देखिए, फ्रंट से देखने में कुछ ऐसी लगती है वो मूर्ति। कुछ ये हरिद्वार स्टेशन का नज़ारा कुछ ऐसा है, फ्रंट से कुछ इस तरह से देखने में लगता है। और इधर भगवान जी की मूर्ति बनाई गई है और इधर एक और बनाया गया है और इधर कुछ टैक्सी लगी हुई है और इधर से जो है बाहर जाने का रास्ता है। और ये भाई लोग फ़ोटो खींच रहे हैं इधर, काफ़ी अच्छी लग रही है मूर्ति इसलिए यहाँ पर फ़ोटो ही लोग खींच रहे हैं। स्टेशन से बाहर निकलते समय कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है, काफ़ी सारे टैक्सीज और काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हम लोग को भूख लगी हुई है और हम लोग यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटीज अवेलेबल है भोजन करने के लिए और काफ़ी सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स
अवेलेबल हैं, स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भोजन नाश्ता पानी करेंगे और उसके बाद फिर आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग। हमको क्या आप जल्दी करवा दो, हमको क्या बताया पंजाली बाहर से मिलती है, यहाँ से डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए नहीं है, इधर से नहीं है, बाहर मिल जाती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा ये बगल बोला आगे अगर GMO है वहाँ से मिल जाती है, वहाँ से मिल जाती है, कितने दूर होगा यहाँ से, मतलब इसी रूट में है। चलो थैंक यू। तो ये नज़ारा है हरिद्वार बस स्टैंड का। हरिद्वार बस स्टैंड से डायरेक्ट जो गवर्नमेंट की बसेस हैं वो सोनप्रयाग नहीं जाती हैं। सोनप्रयाग जाने के लिए आपको प्राइवेट बसेस लेनी पड़ेंगी, जो कि GMO बगल में ही, बस स्टैंड के बगल में ही GMO का ऑफिस है, वहाँ से आपको बसेस मिल जाएंगी। तो अभी हम लोग GMO ऑफिस में जा रहे हैं, GMO ऑफिस बस स्टैंड के जस्ट बगल में ही पड़ता है। तो GMO ऑफिस से हम लोग बस की टिकट लेंगे, बस की टिकट हमें हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए मिलेगी और टिकट पहले बुक करानी पड़ती है। सुबह सुबह बसेस जाती हैं, शाम को कोई बस नहीं जाती है, सुबह लिमिटेड बस जाती हैं, तो इस वजह से सीट भी लिमिटेड होती है। तो पहले अगर आप टिकट बुक करा लेंगे तो आपकी सीट कन्फर्म रहेगी, अगर टिकट नहीं बुक कराएंगे तो सीट की प्रॉब्लम्स आ सकती है, ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण सीट नहीं मिल पाती। तो हम लोग जो है अपनी टिकट बुक करा ली है और अब जा रहे हैं अपने होटल में और उसके बाद आगे का आपको व्यू दिखाते हैं। अभी एक छोटा सा लड़का मिला था और उसने कैमरा देखा तो आके पूछा भैया आप लोग ब्लॉगर हो, तो हम लोग बस उससे ऐसे बात कर रहे थे। और अभी हम लोग चल रहे हैं बिरला घाट, और बिरला घाट में चल के आपको बिरला घाट का नज़ारा दिखाते हैं। अभी वहाँ पर हम लोग नहाए हुएंगे और फिर वहाँ का जो नज़ारा है वो आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग बिरला घाट पे जा रहे हैं, बिरला घाट में आरती होती है और आरती देखेंगे और यहाँ पर स्नान करेंगे। और सुने यहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और बिरला घाट कुछ इस तरह से दिखता है। चलिए चलते हैं, बिरला घाट का नज़ारा पास से आपको दिखाते हैं। तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का नज़र आता है और ये आरती का टाइम हो गया है और थोड़ा सा और अंधेरा हो जाए तो लाइटिंग काफ़ी अच्छा यहाँ का चालू हो जाएगा और ये पुल बनाया गया है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए आरती का टाइम हो गया, हम लोग लेट हो रहे हैं तो आगे का वीडियो बाद में दिखाते हैं। आरती का टाइम निकला जा रहा है और हम लोग को आरती देखनी है, इसलिए थोड़ी सी और मेहनत की जा रही है, दौड़ लगा रहे हैं। और वो भाई लोग पीछे हैं और एक भाई आगे निकल गया है। तो भाई हम लोग अभी हर की पूरी घाट पर आ गए हैं, यहाँ पर आरती शुरू होने वाली है और यहाँ की आरती काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी अच्छे तरीके से आरती होती है, जैसे गंगा जी की आरती होती है वैसे यहाँ के भी कुछ व्यू आपको दिखाते हैं। ये देखिए और आरती की शुरुआत होने वाली है, घंटियाँ बजना शुरू हो गई हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइटिंग यहाँ का देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है और भाई लोग पीछे आ रहे हैं और हम लोग अभी घाट पर पहुँचने वाले हैं। बस आरती यहाँ पर देखेंगे, आरती का टाइम निकलने वाला है, आरती शुरू होने वाली है और आरती देखने के बाद फिर हम लोग जाएंगे बिरला घाट पर, वहाँ पर स्नान करेंगे और फिर अपने होटल पे जाएंगे जहाँ पर हमने स्टे किया है। उस होटल का भी व्यू आपको दिखाएंगे, होटल कितने का पड़ा, कौन सा होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है और सस्ते में मिल गया है।